तो आज अपन यहाँ स्टडी करने वाले हैं पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे अपन एक कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट का पाथ अगर दूसरी ऑब्जेक्ट से देखा जाए तो कैसा दिखता है, ये कैसे पता लगे। तो इसको अपन एक्चुअल में रिलेटिव पाथ कहते हैं। जिस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी होती है वैसे ही रिलेटिव पाथ होता है। तो रिलेटिव पाथ कैसे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आपको रिलेटिव पोजीशन देखनी पड़ेगी एक्चुअल में। जैसे इसको अपन पढ़ेंगे रिलेटिव पोजीशन ऑफ पार्टिकल वन विद रिस्पेक्ट टू टू। इसमें पोजीशन वन में से आपको पोजीशन टू को माइनस करना पड़ेगा, तो इससे आपके पास रिलेटिव पोजीशन आ जाएगी, है ना। अब इसको अगर आप एक्स वाई कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल में हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू आई के प्लस वाई वन माइनस वाई टू जे के, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आपको रिलेटिव पोजीशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी एक पार्टिकल से। इसके बाद जब आप रिलेटिव पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, इसको अपन मान लेते हैं जैसे डेल्टा एक्स आई के, इसको मान लेते हैं डेल्टा वाई जे, ठीक है, ये आ गया आर वन टू। फिर आपको इसमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना पड़ेगा, मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, तब आपको रिलेटिव पाथ पता चलेगा। तो अभी आज अपन इसको प्रोजेक्टाइल में डिस्कस कर रहे हैं ना कि प्रोजेक्टाइल में कैसे होगा। तो अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि बस दो प्रोजेक्टाइल है। पहला जो प्रोजेक्टाइल है इसकी जो वेलोसिटी है ये वी वन है, और इसके दो जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं यू वन, और यहाँ पे अपन मान लेते हैं यू टू। एक्स वाई ना मान के यू वन यू टू माने, जिसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी वी टू मान लेते हैं, इसका कंपोनेंट यहाँ यू थ्री मान लेते हैं और यहाँ यू फोर मान लेते हैं, जिससे क्या है कि बार बार लिखने में एक्स वाई में प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और कोई खास बात नहीं है। तो अब सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एक्स में रिलेटिव पोजीशन अलग देख लेते हैं, वाई में अलग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं एक्स में, एक्स में रिलेटिव पोजीशन होगी एक्स वन टू। इसमें किसी भी पार्टिकल से किसी को भी देख सकते हैं, जैसे अपन रिलेटिव पोजीशन वन देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टू, है ना। तो ये होगी एक्स वन माइनस एक्स टू, ठीक है। किसी टाइम टी पर एक्स वन की वैल्यू होगी यू वन टी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन होता नहीं है, और दूसरे पार्टिकल की होगी यू टू टी। यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगी यू वन माइनस यू टू। ये रिलेटिव पोजीशन इन एक्स आ गई, ठीक है। सिमिलरली रिलेटिव पोजीशन इन वाई अपन जब निकालेंगे तो वाई में वर्टिकल वेलोसिटी देखेंगे, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी टू है। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी जो है मिस्टेक हो गई है ना, यहाँ थ्री आएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्री है, सॉरी, है ना। चलिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल देखना है, ठीक है। अब वर्टिकल वर्टिकल देख रहे हैं, मतलब टू और फोर, है ना। तो अब ध्यान से देखें, वर्टिकल के लिए अपना फार्मूला क्या होता है। वर्टिकल के लिए अपना फार्मूला होता था यू वर्टिकल इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी बनने वाली यू टू, तो यू टू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू फोर टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इम्पॉर्टेंट बात ये है, जब माइनस का आप इंटू करेंगे इस अंदर तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, यानी यू टू माइनस यू फोर इंटू टी। यानी वर्टिकल जो पोजीशन है ना वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान देना है, वर्टिकल पोजीशन जो है ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो देखने से आपको अब मैक्सिमम चीज़ें तो क्लियर ही हो गई हैं कि जो एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट बन रहे हैं इससे समझ में आ रहा है कि रिलेशन जो है वो कैसा होगा, लीनियर। अब अपन को एक्स वाई में रिलेशन निकालना, तो अपन क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, तो टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स वन टू अपॉन वाई वन टू इज इक्वल टू आ जाएगा
यू वन माइनस यू थ्री और यू टू माइनस यू फोर, ये सारी क्वांटिटी जो इस तरफ दिख रही हैं आपको, ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि एक्स और वाई की जो रिलेटिव पोजीशन यानी जो पाथ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से आप देखेंगे तो पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के पाथ को देख के फिर उसमें रिलेशन निकाल के बता सकते हैं कि ये पाथ कैसा होगा।